अब आप बोलोगे कि भाई मैंने तो 1500 का कहा था, तुम 500 का कैसे डाल रहे हो पेट्रोल, तो वहाँ पर ड्रामे करने लग जाएगा कि सर सॉरी मैंने सुना नहीं था, मैं 1000 रुपीज़ का और डाल देता हूँ तो आपका 1500 का पेट्रोल हो जाएगा। क्या आपको पता है पेट्रोल पंप पर आपको कैसे लूटा जाता है? अगर आपके साथ पेट्रोल पंप पर कोई फ्रॉड होता है तो उसकी कंप्लेंट कहाँ करें? पेट्रोल पंप फ्रॉड से बचने का क्या तरीका है? सो आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इस शो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि इन स्कैम से आप कैसे बच सकते हो। स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स माय स्टैंड, इट्स एन एनगार्डियन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। अरे भाई पेट्रोल डालो यार। तो अगर आपने क्लिप ध्यान से देखी होगी तो लड़का बोलता है 200 रुपए का पेट्रोल डाल दो, दूसरा बंदा 200 ही एंटर करता है लेकिन बोलता है 50 रुपीज ना। तो यहां पर आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ? अब यहां उसने पहले आपके टैंक में 50 रुपीज का पेट्रोल फिल कर दिया, उसके बाद उसने मशीन में 150 एंटर करा, उसके बाद 150 रुपीज का भी पेट्रोल फिल कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे तो इसमें फ्रॉड कहाँ हुआ, आपके लिए तो 200 का पेट्रोल हो गया, 150 प्लस 50 200। लेकिन असलियत में सिर्फ आपको 150 रुपीज का ही पेट्रोल मिला है। कैसे? क्योंकि 50 रुपीज का पेट्रोल जब उसने फिल किया उसके बाद उसने 150 डायल करने से पहले मशीन को रीसेट नहीं किया, तो जो 150 नंबर था उसमें 50 रुपीज का ऑलरेडी पेट्रोल आपके टैंक में आ चुका था और अब सिर्फ 100 रुपीज का आया, तो टोटल 150 हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक ईजी सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेट्रोल पंप पर जाते हो, आप पेट्रोल फिल करवाने 1500 रुपीज का, 1500 रुपीज का। आप पेट्रोल पंप पर कहते हो कि मुझे 1500 का पेट्रोल डाल दो, वो 500 एंटर करता है उसमें। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने तो 1500 का कहा था, तुम 500 का कैसे डाल रहे हो पेट्रोल, तो वहाँ पर ड्रामे करने लग जाएगा कि सर सॉरी मैंने सुना नहीं था, मैं 1000 रुपीज का और डाल देता हूँ तो आपका 1500 का पेट्रोल हो जाएगा। लेकिन इन्हीं कुछ बातों के बीच वो मशीन को रीसेट नहीं करता है और डायरेक्ट जहाँ पर 500 लिखा हुआ है उसके ऊपर ही 1000 रुपीज करके पेट्रोल डाल देता है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो 500 का पेट्रोल ऑलरेडी डल चुका है उसको वो ओवरलैप कर जाता है, मतलब जो 500 उसमें पहले था उसने 1000 डाला तो 500 उसमें से माइनस हो गया प्रीवियस वाला, आपको पेट्रोल मिलेगा टोटल 1000 रुपीज का क्योंकि उसने मशीन रीसेट नहीं की है। एंड एट द एंड आपको 1000 रुपए का पेट्रोल मिलता है 1500 रुपए देके। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो एट पेट्रोल पंप इज ऑलवेज चेक जीरो इवन व्हेन द पेट्रोल पंप इज क्राउडेड। जितनी भी भीड़ हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने मशीन देखनी है, जीरो होनी चाहिए। नंबर टू, अगर कोई दूसरा पेट्रोल पंप का कर्मचारी जो वर्कर है वहाँ का आपसे बात करना चाहता है, आपको उलझाना चाहता है, आपसे कार्ड मांगना चाहता है, आपसे कैश मांगना चाहता है, आपकी पर्ची काटना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, आपको अपनी नज़र मशीन से नहीं हटानी है बिकॉज ये उनकी ट्रिक होती है। नंबर थ्री, जो पर्सन पेट्रोल फिल करेगा आपके टैंक में वो आपको बोलेगा कि सर आप पहले जीरो चेक कर लो, आप जीरो देख लोगे, लेकिन आपकी नज़रों का सफ़र उस जीरो से लेकर आपके फ्यूल कैप तक, जो बाइक है अगर तो बाइक का जो टैंक होता है उसके कैप को खोलने तक, उसी बीच वो कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, तो आपको क्विकली अपना फ्यूल कैप ओपन करके नज़र वहाँ बनाए रखनी है कि वो जीरो ही रहे। नंबर फोर, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो, चाहे आपको ऑफिस जाना हो, चाहे आपको बैंक जाना हो, चाहे आपको घर जाना हो, चाहे आपको पिकनिक जाना हो, चाहे आपको पार्टी में जाना हो, चाहे आपको बर्थडे पार्टी में जाना हो, चाहे आपको शादी में जाना हो, या फिर पेट्रोल पंप क्राउडेड हो,
आप कभी भी पेट्रोल फिल कराते वक्त पेमेंट नहीं करेंगे, ना ही कैश देंगे ना ही कार्ड देंगे, क्योंकि उस बीच ही हमारा ध्यान मशीन से हटता है और पर्स की तरफ जाता है, कार्ड की तरफ जाता है, दूसरे बंदों की तरफ जाता है और उसी बीच वो अपना खेल खेल जाते हैं। नंबर 5, अगर आप कार में पेट्रोल फिल करवा रहे हो तो आप कार से उतरोगे, कार में बैठे बैठे पेट्रोल फिल नहीं करवाओगे, कार से उतरोगे, प्रॉपरली वहां पर खड़े होगे जहां पर फ्यूल कैप है, पेट्रोल फिल करवाओगे, मशीन देखोगे, प्रॉपरली सब तरीके से होता है काम। ये नहीं कि आप बैठे हुए अंदर से वो कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे आपको कुछ नहीं पता है, बस सिर्फ आप मशीन देखे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है काम। अब बात करते हैं इनकी कंप्लेंट कैसे करें, कंप्लेंट फाइल कैसे करें इनकी। नंबर 1, आप कंप्लेन कर सकते हो, इनकी जो हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, वहां पर कॉल करके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो और उनका रेफरेंस नंबर, कंप्लेन नंबर ले सकते हो। अगर कोई आपको कंप्लेन नंबर नहीं देता है तो आप डेफिनेटली रिटर्न में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। और जो कस्टमर केयर नंबर्स हैं कुछ मेजर जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं स्क्रीन पर नंबर्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ या बोल इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज हो सकता है आप ये वीडियो आज देख रहे हो सकता है कोई 10 साल बाद देखे, 5 साल बाद देखे, तो नंबर से चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको जो नंबर्स है कस्टमर केयर के वो मैं नीचे दे दूंगा। नंबर 2, आप उस वर्कर की कंप्लेंट जिसने आपके साथ चीट किया है, फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, उसकी कंप्लेंट मैनेजर को भी कर सकते हो। लेकिन एज यूजुअल ऑब्वियसली हमें पता है कि मैनेजर भी उससे मिला होगा क्योंकि तभी उसकी इतनी हिम्मत बढ़ी है कि उसने फ्रॉड किया है। तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रिटर्न में उस मैनेजर को कंप्लेंट कर दो और उसके बाद उसकी कंप्लेंट, पूरे पेट्रोल पंप की कंप्लेंट, उनकी जो अथॉरिटी एजेंसी है, कंपनी है, उसको डायरेक्ट जाके कर दो। अगर HP का है तो HP की जो अथॉरिटी है पेट्रोलियम की, उसको जाके कर दो कंप्लेंट कि आपके ब्रांड का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके ब्रांड को डैमेज कर रहे हैं, आपके ब्रांड के नाम से फ्रॉड किया जा रहा है, ताकि उसकी जो एजेंसी है वो छिन जाए। हम ट्राई तो यही करेंगे। नेक्स्ट, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो या डेफिनेटली विजिट करके रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फेवरेट तरीका, आप 100 नंबर डायल करेंगे, वहां पर पुलिस बुलाएंगे, उसके बाद कंप्लेंट लिखवाएंगे, उसके बाद आप नियरेस्ट थाने जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर भी कंप्लेंट सबमिट करवाएंगे और उसके बाद प्रॉपर केस चलेगा, मजा आ जाएगा। एंड अब इस शो को कंक्लूड करते हैं, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है पेट्रोल स्कैम से रिलेटेड, या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ हो, या आपके साथ हुआ हो, या आपने उसको पकड़ा हो आपके साथ फ्रॉड करते हुए, या कोई ऐसे सजेशन है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज आप शेयर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि जो दूसरे व्यूअर्स हैं वो भी उन कॉमेंट्स को देखकर नॉलेज ले पाएँ, इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएँ। एंड डेफिनेटली इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर पर्सनल इंटरेक्शन एंड फॉर सोल्यूशन ऑफ एनी लीगल प्रॉब्लम ऑफ योर्स। दैट्स ऑल।